तो सुबह में गाड़ी डिलीवर कर रहे हैं, मतलब कि जीजा जी ना गाड़ी ले रहे हैं, तो वही जाना है इवेंट में एक तरह से, मतलब कि वो डिलीवर कर रहा है उसको देखने के लिए। तो अभी देखते हैं ना कितना टाइम लगता है यहाँ से जाने में। हम तो वैसे बोले हैं 1 घंटा, लेकिन 1.5-2 घंटा तो लगेगा यहाँ से मुजफ्फरपुर जाना है। अभी चलते हैं। फाइनली ना हम लोग आए थे गोला रोड में, क्योंकि वहाँ पे ना कोई सामान डिलीवर कर रहा था कोई, उन्होंने कॉल किया था तो वहीं चले गए। उसके बाद वहाँ से मुड़ के फिर वापस ताजपुर वाले रोड में, मतलब सॉरी ताजपुर से आगे आके जो भोला टॉकीज के साइड से है ना भाई, जाम देख लो यहाँ पे क्या मस्त जाम है। तो उस रोड से हम लोग ना गए थे मुजफ्फरपुर पूसा होके। बहुत तो गए मुजफ्फरपुर, लेकिन अभी वो पता नहीं कहाँ है एक्सेसरीज वाले के यहाँ है फिलहाल में। और पीछे ना ये रहा मारुति सुजुकी, अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे मुजफ्फरपुर। फाइनली ना ये गाड़ी डिलीवर हो गया था, मतलब इतना लेट हो गया हम लोग ना कुछ कर कुछ एक्सेसरीज का पार्ट लग रहा है इसमें। आगे बाकी रिव्यू देंगे, अगर गाड़ी से जाते हैं तो ठीक है, वैसे तो मेरा कोई है नहीं, मतलब या तो इसके साथ जाएंगे तो बाइक से ही जाना पड़ेगा मुझे। तो फिलहाल देखते हैं अभी क्या होता है इसमें, गाड़ी अच्छा लग रहा है दमदार। फाइनली यहाँ ना अभी पूरा गाड़ी में काम चल रहा है, पूरा सीट वीट हटा करके ना सब कुछ मैट वैट लग रहा है, मतलब हर एक चीज़ जो भी चीज़ में लगवाना है फिल्म विल्म वो सब लग रहा है एकदम से। और भैया ना देखो पीछे में वो फिट कर रहे हैं गाड़ी के पीछे लगता है ना वो, भूल गया मैं नाम भी भूल गया। तो अभी ना आगे मिलते हैं। फाइनली ना अभी 5 बज रहे हैं और अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है इधर कुछ भी। इधर देखो वो क्या मार के है, क्या मारे हुए हैं मार के बाबा, ये इधर बिल्डिंग विलिंग करवा रहे हैं जी। तो अभी ना देखते हैं कितना टाइम लगता है और यहाँ पे, फिर उसके बाद पूजा करने जाना है हम लोग को। 6:30 बजने वाला है और अभी जाके गाड़ी कंप्लीट हुआ, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब कुछ और सामान बचा हुआ है लेकिन वो कभी और लगवाएंगे। अभी यहाँ से निकलते हैं पूजा के लिए। और भाई रास्ते में देख लो ये भैया जा रहे हैं आगे, उनके साथ ही जाए क्योंकि मुझे देखा हुआ है ही नहीं। तो अभी ना गाड़ी देख लो पीछे से क्या मस्त लग रही है भाई। वहाँ से हम लोग घर पे से कुछ लोगों के साथ ना आ जाते हैं मंदिर, यहाँ हनुमान मंदिर पे और शनि मंदिर दोनों है भाई। गाड़ी एकदम दमदार लग रही थी, फोटोग्राफ्स अच्छे नहीं आ रहे थे क्योंकि भाई दिक्कत ये था ना कि लाइट आ रहा था या तो पीछे से या तो आगे से, तो दिक्कत हो रहा था। तो कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए थे यहाँ पे और उसके बाद पंडित जी ने इस पर सारा चीज़ बांधना स्टार्ट किया, सब कुछ बनाना स्टार्ट किया, मतलब कि जो भी पूजा में फॉर्मेलिटी होती है वो करना स्टार्ट कर दिया था। ये ड्राइवर साहब मतलब ड्राइवर भैया हैं और उन्होंने एक वो सब बांधा है और यहाँ पे नींबू इसके नीचे डाल के हम लोग यहाँ से निकालेंगे अभी फ़िलहाल कुछ देर के बाद। अभी तो फिलहाल इसमें ना पूजा का सारा काम चल रहा है, पूरा का पूरा काम ही चल रहा है पूजा का। तो देखो आप लोग क्या सब हो रहा है आगे। और भाई जो पंडित जी थे ना वो थोड़ा सा नए नए थे, मतलब बच्चे ही थे, मतलब कुछ अभी स्टार्ट ही किया है लगता है ऐसा, तो थोड़ा सा डर वर रहे थे, डर जैसा लग रहा था इनको, लेकिन काम ठीक कर रहे थे, आ रहा था सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ आता था इनको, वो अच्छा चीज़ था। तो अभी ना ये सब कर रहे हैं, आगे देखिए आप लोग को मज़ा आएगा। अभी इसके बाद नींबू पे वो किया जाएगा, मतलब ट्राइप किया जाता है नींबू चक टायर के नीचे रख के, वो सब सब कुछ होगा। एंड उसके बाद प्रसाद वसाद खा के यहाँ से निकलेंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे और वहाँ से फिर घर निकलेंगे हम लोग, क्योंकि रात ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा जाने में, तो इसलिए ना अभी ये जल्दी जल्दी करवाते हैं पहले पूजा वूजा। ये हो गया सुबह, मतलब ये सुबह माना जाता है, तो अभी ना स्टार्टिंग हो गया, अभी मज़ेदार एकदम गजब का ही लग रहा है।
और यहाँ पे जीजा जी ना प्रसाद चढ़ाने गए हैं मंदिर के अंदर, क्योंकि यहाँ तो चढ़ा ही दिया था, फिर वहाँ मंदिर के अंदर अभी पूजा लगभग एंडिंग पे है। अब उसके बाद प्रसाद वसाद खाएंगे और सबको खाना खिलाने लेके जाएंगे रेस्टोरेंट। तो अभी ये लास्ट आरती वारती कर रहे हैं एंड द एंड, उसके बाद मतलब कि गाड़ी का पूजा ख़त्म हो जाएगा, फिर जाएंगे आराम से पेट पूजा करेंगे। भाई भूख बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। मिलते हैं आप लोग को थोड़ा सा आगे, मतलब ये पूजा वूजा ख़त्म होने के बाद बताते हैं। फाइनली ना मतलब पूजा वूजा कंप्लीट हो गया है, इधर पूजा थोड़ा सा बाकी है थोड़ा, तो अभी ना निकलने का यहाँ से प्रोग्राम हो रहा है, तो बाइक ना यही छोड़ दिया है, अभी गाड़ी से ही चले जाएंगे क्योंकि भाई बहुत रात हो गया बहुत ज़्यादा। सब कोई ना हम लोग पहुँच गए थे रेस्टोरेंट, और वहाँ पे ना भाई समझ सकते हो भूख लगा हुआ है, तो पहले खाना खाएंगे बहुत ज़्यादा दबा के। अभी तो शुरुआत में पापड़ वापड़ आया था तो ऐसे ही खा रहा था सब कोई, मुझे अच्छा नहीं लगता पापड़ लिटरली, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। उसके बाद खाना आया तो भाई ज़बरदस्त टूट के भाई टूट पड़ा उस पर बिल्कुल से, बिल्कुल से एकदम से। और ये दोनों ना बहुत बहुत नॉटी हैं भाई, मतलब मुझे देख के ना ये भी ब्लॉग अभी बना रहे हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं बताऊँगा आपको आगे। फाइनली खाना पीना सब कुछ ख़त्म करने के बाद ना हम लोग निकल गए थे अपनी घर की तरफ, क्योंकि भाई घर जाना बहुत जरूरी था और 9:30 बज रहे थे यहाँ से, तो 9:30 बजे निकल गए थे और गाना सुनते हुए। ये है टेस्टिंग वाला जगह। नहीं तो ब्रेक मारने से है, उस पर चढ़ने से नहीं है, नहीं हिल भी नहीं रहा है वहाँ से। बरसात के मौसम में और लगभग अब पहुंचने वाले ही हम लोग घर, कुछ ज़्यादा दूरी नहीं बचा हुआ है फिलहाल, तो घर जाते हैं। और भाई सबसे पहले तो रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं भाई। एक तो बाइक से आया था वहाँ से यहाँ 80 किलोमीटर के लगभग में, और भाई अभी फिलहाल फिर रिटर्न जा रहे हैं, वहाँ खड़ा खड़ा मतलब दिन भर ना खाना ठीक से खाया ना कुछ, मतलब कि बहुत ज़्यादा थक गए थे। आप लोग को आई होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं आप लोग। मिलते हैं आप लोग को सुबह में। सुबह मैंने भी बौआ जगा हुआ था भाई, यहाँ आया ना तो बौआ जगा हुआ था लिटरली, तो उसके बाद ना फिर सो गए जाके हम लोग। फाइनली गाइस ना कल ना आने के बाद कुछ शूट नहीं कर पाया, तो करते हैं वीडियो को यहाँ पे खत्म। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।